अप्सरा मम पूरी दुनिया की अप्सरा मम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मेरा नाम श्वेता है और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। आज का रिएक्शन मेरा होगा अप्सरा मम पे। क्या है ना गाइज, ये अप्सरा मोम जो है ना पूरी दुनिया की मोम बन गई है, बट अपने घर में मोम नहीं बन पा रही है। ये अपने घर में मोम नहीं बन पा रही है गाइज। ये कभी कुछ बोल देती हैं, इनका पता ही नहीं चलता, ये खुद ही बचकानी हरकत करती हैं। ये अप्सरा मोम जो है ना, ये खुद बचकानी हरकत करती है। क्या माँ ऐसे बोलती हैं? आप कभी सुने हैं? आप, हाँ हो सकता है कि आप लोग सुने होंगे, बट मैंने नहीं, मेरे घर में मेरी माँ ने कभी हमसे नहीं कहा कि ऑर्केस्ट्रा में जाओ, चाहे चंदा मिलेगा, सॉरी ऑर्केस्ट्रा नहीं, पंडाल लगेगा, उसमें तुमको चंदा मिलेगा। क्या है ना गाइस, कि ये जो अप्सरा मम है ना, अप्सरा मम को किसी की तारीफ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। अप्सरा मम को अपने सिवा किसी दूसरे की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसा है कि रंजना ने ये काम करके आई, उसको रील्स पे तारीफ मिल रहे हैं, वीडियो पे तारीफ मिल रहे हैं, अप्सरा मम को बर्दाश्त से बाहर है। अप्सरा मम में यही निगेटिव है कि वो किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकती है। वो किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकती है। और मैंने उनको अक्सर देखा है रंजना को टारगेट करते हुए, और मैंने रंजना को टारगेट करते आज से नहीं देख रही हूं, 2 3 4 जब से वो मतलब शादी हो के आई, 1 आध 2 महीना ही सही रही है। और एक बात और बता देते हैं गाइस, लड़की कोई खराब नहीं होती है, कोई लड़की खराब नहीं होती है। लड़की जब दूसरे घर में जाती है ना, वहां लड़का कैसा होता है वो देखा जाता है। अगर लड़का सही हो ना, तो लड़की बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाएगी। लड़की कितनी भी गंदी होगी, लड़का के सामने चल ही नहीं पाएगा उसका। अगर लड़का सही है ना तो लड़की, हाँ 100 में 25% या 10% में मान लूंगी कि कुछ लड़कियां ऐसी बर्बाद करने वाली आती हैं, चूंकि लड़का पे हावी बनी रहती है सब। बट लड़का उस समय भी अगर सही रहे ना, तो उसका घर वाले परेशान नहीं होंगे उस लड़की से। गाइस, अप्सरा मोम जो है ना, ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें कर जाती है ना। कहने को तो कहती है अप्सरा मोम कि मैं टीचर हूं, ऐसी हरकतें कर जाती हैं अप्सरा मम, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। ये दूसरी की बातों में आके कह रही हैं अपनी बहू को कि आशीष सर बोल रहे थे कि पंडाल में बैठा देंगे, अच्छा खासा चंदा मिल जाएगा। पता नहीं ये वीडियो मेरी कहां तक पहुंचेगी, मुझे खुद नहीं पता है, बट अप्सरा मम तक पहुंचा दे कोई तो बड़ा अच्छा होगा। अप्सरा मम से आशीष सर ने नहीं कहा कि मैम आप रील्स बनाती हैं, आप अब ऑर्केस्ट्रा में भी आप नाचती भी हैं, तो आपको अब ऑर्केस्ट्रा में बुलाया जाएगा। ये आशीष सर आप मतलब अप्सरा मम से नहीं बोले? अरे भाई, कितना भी क्लोज मेरे क्यों ना हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, फिर भी मैं दूसरे की बातों को अपने घर पे हावी नहीं होने दूंगी। अप्सरा मम को इसका प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताती हूं। अप्सरा मम का मुंह इसलिए बना हुआ है कि उनको माता रानी बनने का ऑफर नहीं मिला है। अगर माता रानी बनने का ऑफर उनको मिल गया होता ना,
कोई खराबी नहीं थी इस काम में। हाँ अप्सरा मम ऐसी हैं कि वो अपनी तारीफ के सिवा किसी दुनिया की तारीफ सुन ही नहीं सकती हैं। कभी किसी की मुंह से तारीफ सुनी हो कि आज निरंजना ने बहुत अच्छा काम किया, आज मनीषा ने मेरा दिल जीत लिया, मैंने कभी अप्सरा मम के मुंह से नहीं सुना। भाई लड़की, एक लड़की दूसरे घर से आती है, वो पहले लड़की होती है और जिस घर में जाती है वो बहू होती है। अगर बहू को कुछ चीज नहीं आता ना, बड़ी आराम से बहुत प्यार से, मैंने अपने घर में, मेरी जेठानी, मेरी सास, कुछ चीजें उन लोगों ने सिखाया है मुझे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैं भी बुरा मानने वाली नहीं होती। मैं तो अगर किसी को देख, अगर कोई मेरे संपर्क वाले लोग देख रहे होंगे और अगर उनसे मेरी कोई तुतु मैं भी हो गई और सामने से मिल गए तो अगर वो बात करना चाहे तो मैं बात कर लेती हूँ। ये अप्सरा मम को जब देखो तब रंजना को टारगेट करती है और रंजना को उनके इस टारगेट के चलते ना इतनी गंदी गंदी कमेंट आई है उसके चैनल पर, फिर भी वो लड़की इतनी बर्दाश्त करती है। अगर कोई दूसरी लड़की होती ना तो बैठ के एक अच्छे से वीडियो बना लेती कि मेरी सासू माँ ऐसी है। देख ही रहे हैं आप लोग, चैनल कई चैनल पे आ ही रही, 2 दिन की बहुएं आ रही हैं, 3 दिन की बहुएं, मेरी सास सही नहीं है, मेरी ननद सही नहीं। आप तो देख ही रहे हैं ना। और संस्कार एक दिन में नहीं आता है, संस्कार बचपन से आया जाता है। और रंजना में संस्कार दिखता है, पता नहीं आप लोग को नहीं दिखता है बट मुझे, मेरी नजरिया जो है वो रंजना में संस्कार दिखता है। आशीष सर कह रहे थे, आशीष सर इनको नहीं बोले कि आप रील भी बनाती हैं, आपको भी ऑर्केस्ट्रा में बुकिंग होगी। ऑर्केस्ट्रा में ही तो नाचते हैं ज्यादा, नाचना बुरी बात नहीं है, मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, मैं ना रील्स के खिलाफ हूं, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से मैं बोल रही हूं। भाई साहब इनकी तो लैंग्वेज ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊं। अपने नाच नाच के रील्स बनाएंगे तो अगर गांव के हिसाब से आप देखिए तो गांव में तो लोग कहते थे जाओ नाचो नचनिया वाला काम करो, तो फिर तो आप भी गलत कर रहे हो ना। और आपको माता रानी बनने में ऐसा क्या हर्ज हुआ? माता रानी बनने में ऐसा क्या है? मैंने तो बहुतों को देखा है माता रानी बनते हुए पिछले साल के सोशल मीडिया पे। ऐसा कौन सा काम कर दिए कि पंडाल में चंदा बिटोरेगी? तब तो पूरी जितने लोग नाच रहे हैं भैया ऑर्केस्ट्रा जाए पैसे कमाए, ऑर्केस्ट्रा में बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने देखे मेरे भाई की शादी में बुक हुई थी, बिहार में हर जगह बुक हो जाती है। तब तो जितने रील्स में नाचने वाले सबको ऑर्केस्ट्रा में बुक होगी, पहले तो यही बुक होंगी। मैम बिल कहती है कि मैं टीचर हूं, बिल्कुल टीचर वाली, कोई कहां कब क्या बोलना है इनको कुछ समझ में नहीं आता है बोल देती है। अरे एक उम्र होता है और हम लोग उम्र में जाते तो सोच समझ के बोलेंगे ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं मैम को तो जहां मन करे वही जो बोल देती है। कोई लड़की खराब नहीं होती है, लड़की कहाँ जाती है उस घर का क्या है, वो ऐसे ही नहीं 2 महीना वो रही बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया थी अब खराब हो गई, नहीं आपका घर का रूल्स देखी उसने। चंदा चंदा बिटोरेंगी आशीष सर कह रहे थे उनको,
और दूसरे के बातों को लाके वो कह भी देती है कि आशीष सर कहते, आप आशीष सर को बोले क्यों नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। चलिए, मैं इनका बहुत दिनों से वीडियो देख रही थी और मुझे बहुत गुस्सा था। रंजना कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि रंजना को आप हरदम टारगेट करेंगी। नहीं, टारगेट नहीं कर रही है, इनकी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती इनसे, इनको अपनी बहू से ही भी कंपटीशन है। थैंक यू।